नमस्कार और आदाब। सनीचर जुलाई के 30 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। कूर्स जो है US डॉलर और यूरो का इस हफ्ता में काफ़ी चढ़ गया है। अगर देखा जाए, बंकन और कम्ब्यूज ने बताई है कि एक यूएस डॉलर के वास्ते लोगों को अब 24.5 तक भरना है। ये जो कूर्स चढ़ता जा रहा है, यूरो कोर्स भी 25 SRD हो गया है। इन यूरो के वास्ते लोगों को 25 SRD भरना है। ये कहा जाता है कि यह दबाव जो है फलूता मार्क पर आए है, क्योंकि ओली मार्च का पेन जो है इन लोगों को US डॉलर्स की ज़रूरत है ले फ्रांसीस को पैसा भरने के वास्ते। इसलिए US डॉलर का मांग जो है बढ़ गया है, और अगर जब मांग बढ़ता है तो दाम जो है और ऊँचा होता है। और यह ऑफिशियल कोर्स जो है ऑफिशियल कोर्स जो सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम तय करते हैं, ये कई दिनों से पता चला है कि यहाँ पर भी एक तय खंड लाइन है, मतलब ये कोर्स भी ऊंचा होता जा रहा है। कितने दिनों तक कोर्स स्टेबल था 21 SRD या 22 SRD US डॉलर के वास्ते। इम्पोर्टेंट जो है दुआना कोर्स के मुताबिक अगर होगा तो मतलब ये है सभी सामान जो इम्पोर्ट होता है इसका दाम भी बढ़ने वाली है, ऊंचा होने वाली है। सरकार की तरफ से मोनेटरी अथॉरिटी की तरफ से इस पर लोग क्या करने वाले हैं, ये कैसे रोका जाएगा कि सूरीनाम देश का पैसा ये SRD जो है और इसका कीमत ना घटे, ये क्या होगा, कैसे लोग करेंगे, अभी तक नहीं पता है। होफन यूस्टिसी जो है ये फैसला किए हैं फरानास आली बक्स हाउसिल जो एक्स डायरेक्टर है लीगल कंप्लायंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का, सोमवार को इनको रिहा करने को। इनको त्वे दर्द दिल स्त्रफ ये जो है ये कैद में गुजार चुके हैं और ये बरूप में गए थे, और इनके वकील जो है फॉरवर्डर का इनफ्रेहेड सेलिंग का मांग किए थे। तो इस सिलसिले में आली बक्स हाउसिल को रेख्तर मैत्री कुलदीप सिंह ने जो है ये फैसला लिए है, या होफन यूस्टिसी ये फैसला लिए है रिहा करने के वास्ते। त्वे दर्द स्त्रफ ये कैद में बिता चुके हैं, और रेख्तर मैत्री कुलदीप सिंह जो है इनको 100,000 बूते दिए थे, या 3 मांड हेक्टनिस। आली बक्स हाउसिल को 3 साल के कैद का सजा सुनाया गया था। ये जज ने फैसला किए थे, ये तय किए थे कि आली बक्स हाउसिल जो है इनका बहुत बड़ा हाथ था, यह ओवर ट्रेडिंग आर्टिकल 13 लिट इन का एंटी करप्सी वैद का, और साथ मिले लोगों के साथ मिलकर ये बाकी की जो फरदख्तन है इनके साथ मिलकर वो काम किए हैं, इसलिए इनको गुनहगार ठहराया गया है इस मामले में। ये अब रिहा की गई है, आली बक्स हाउसिल अब जेल से बाहर है। सूरीनाम से पुलिसी बॉन्ड जो है ये सब एक ALFA मंगर को लगाए है, और इस ALFA में एक मोची फन वंतरावन लोग लिए है मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी के खिलाफ जो यूस्टिसी एंड पुलिसी का मिनिस्टर है। पुतिनी आतोमपाई जो है फोरशेटर जो पुलिसी बॉन्ड का, ये कहते हैं कि लोगों को इनके लेदन का फैसला सुनने के बाद, इनसे बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है। यह मांग था पुलिसी बॉन्ड का कि बीते हुए बीफे 12 बजे से पहले मिनिस्टर को इनके पदवी से हटाना था। इस मामले के बारे में हम आपको ये बता दें कि राहुल हेलिंग्स और सर्जियो जेंटल दो लोग जो ऑर्गेनिक मूवमेंट के जो एक्सिस हो रहे हैं पिछले हफ्ता से इसमें साथ दे रहे हैं, और ट्रैकर्स है, ये सब भी वहाँ पर मौजूद था। और इस फरखादरिंग इस ALFA पर कहा गया है कि लोग कोई भी रिप्रेसा या मातरीखलन जो है इन लोगों के खिलाफ ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दिन स्फूर्त जो कहा गया है हेलिंग्स और जेंटल का इन लीफर करने के वास्ते, ये लोग इन लीफर नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। ये ALFA जो है स्कॉर्च किया गया था और ये हम आपको बता दें कि इसी सिलसिले में पुलिसी बॉन्ड जो है इन लोगों का जो मांग है एक ख़त में लिखकर प्रेसिडेंट संतोखी को भेजे है, और प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये इस पर जवाब दे चुके हैं ये भी ख़त के ज़रिए, और प्रेसिडेंट ने कहा है कि मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी जो है इनको पदवी से नहीं हटाया जाएगा।
ये बात भी फिफा प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग कह चुके हैं। और आपको पता है कि मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी जो है ये ब्रंसवेग के पार्टी आप से है। प्रेसिडेंट संतोखी कहते हैं कि वो ये बात समझते हैं कि कुछ दरार आई है और भरोसा लोगों को नहीं है या भरोसा उठ गया है मिनिस्टर यूस्टिसी एंड पॉलिसी पर से, लेकिन तो भी कोशिश किया जाएगा, हर कोशिश किया जाएगा ये भरोसा वापस लाने के वास्ते। तो मिनिस्टर अमोक्सी को पदवी से नहीं हटाया गया है। बहुत से ऐसे मांग है और हम आपसे कह दें कि सुरीनाम से पुलिसी बोंद ये कहते हैं कि लगभग 500 लेदन आएलफी पर मौजूद थे और इसमें से सिर्फ 10 लोग थे जो सहमत नहीं थे ये फैसला से कि मिनिस्टर को घर भेजना चाहिए। इस सिलसिले में जो टॉपर्स है, टॉपर्स जो है यूस्टिसी एंड पुलिसी का, ये सब अब एक खत भी लिखे है प्रेसिडेंट संतोखी को। जुलाई के 28 तारीख एक खत लिखा गया है और ये खत में लोग प्रेसिडेंट से कहे हैं कि कोई भी जायज़ कारण नहीं है, कोई भी जायज़ कारण नहीं है क्यों मिनिस्टर यूस्टिसी एंड पुलिसी को घर भेजना चाहिए, इस पदवी से हटाना चाहिए। और ये टॉपर्स इसमें वर्नीवन कॉर्पशेफ है, कमांडेंट ब्रांतवेर का वर्नीवन होफ बफेलहिंग एंड बेस्टांस दिन सुरीनाम का, डायरेक्टर ओपरा चुनेल दिनस्टन का और बलेट्स ऑफिसर यूस्टिसी एंड पुलिसी का। ये सब कहते हैं कि ये सब पूरा तौर से मिनिस्टर अमोक्सी के पीछे खड़े है। इस हफ्ता पता चला है कि मिनिस्ट्री फन अंडरवेज वेकेंस कप एंड कुल्तूर पर बहुत से ऐसे गोलमाल हुआ है और ये आनखिफ्ता इसी सिलसिले में किया गया है। 7 लोगों को लोग तुलाहन दिए हैं, 7 लेयरक्राफ्टन को तुलाहन मिला है जिस पर इन लोगों का हक नहीं था। मिनिस्टर मारी लेफन्स जो है ये बताई है कि जब से इस पदवी पर वो बैठे हैं, सेंट्रल लंस अकाउंटेंट्स दिन जो है क्लाथ के साथ वो खोजबीन यहाँ पर कर रहा है, खोजबीन क्लाथ कर रहा है मिनिस्टेरी पर और खोजते खोजते कुछ प्रोसीड्यूर से जिस पर गौर करना है। तो ये पता चला है कि इस हफ्ता जब अवदेलिंग लोन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टेरी फॉर अंडरवेज का ये सब वहाँ पर खोजबीन कर रहे थे तो ये सामने आए है कि कुछ लोगों को वहाँ पर तुलाहन दिया गया है जिसमें लोगों का हक नहीं है। ये मामला जो है ये पुलिस में आनखिफ्त हुआ है और पेहे से गुजारिश किया गया है आगे खोजबीन करने के वास्ते। मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेज के जो कार्यकर्ता है ये सब पूरा तौर से खोजबीन में मदद कर रहा है, ये मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। आने वाले एतवार जुलाई के 31 तारीख याफांस न्यू ईयर है और याफांस न्यू ईयर इस साल जो है काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मिनिस्टर ब्रंतोसो मोहार्जो जाबी लोग जो है याफांस खमीस का जो है ये सब सरकार से गुजारिश किए थे ये दिन जो है एक नेशनल फ्रेडा कहलाने के वास्ते। सरकार इससे सहमत हुए है और तैयारियां शुरू हो गया है। कई दिनों से आने वाले एतवार को जोर तोर से जश्न मनाया जाएगा और ये ऑन अफंक्लकेट्स प्लान पर रहेगा। कुछ विदेशी आर्टिस्टन भी सुरीनाम देश में आए हैं इंडोनेशिया से और यहाँ पर एक पसार मालाम रहेगा। मिनिस्टर सोमोहार जो कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं और वो सोच भी रहे हैं कि हज़ारों के तादाद में लोग आएंगे और अफंक्लकेट्स प्लान पर आने वाले एतवार को। ये याफांस न्यू ईयर जो है ये नेशनल फ्रेडा है, ये जो 20 साल से लोग इसके लिए गुजारिश किए थे याफांस न्यू ईयर और शिनेस न्यू ईयर एक नेशनल फ्रेडा करने के लिए, लेकिन सिर्फ शिनेस न्यू ईयर लोग एक नेशनल फ्रेडा इसके लिए सरकार सहमत हुए थे। अब जावी लोगों को भी ये इजाज़त मिल गया है तो याफांस न्यू ईयर इस साल के वास्ते 1 जुली ये एक नेशनल फ्रेडा है। वैसे हम बता दें कि 1 जुली इस साल एक एतवार को है। तो ये जो जावी नया साल याफांस न्यू ईयर जो है मिनिस्टर ब्रंतोसो मोहार्जो है इसके साथ लोगों को सम्मान दिया जाता है, जावी लोगों को जो सालों से इस देश में काम किए हैं, मेहनत किए हैं और नाम कमाए हैं। सभी जो जावी भाई बहन हैं इन लोगों को यहाँ से बहुत से मुबारकबादी हम पेश करते हैं याफांस न्यू ईयर के मौके पर।
ग्रेगरी रोजलैंड एनपीएस का फोरशेटर जो है, कवालिटी पार्टनर जो है, ये जो स्टाट्स ऑफिसर थे अब अपना पदवी छोड़ दिए हैं। ये अब स्टाट्स ऑफिसर नहीं रहेगा। बुध के रात को एक स्ट्रक्चर फरखादरिंग में जो गुंजारी में लगाया गया है एनपीएस के प्रत्येक सेंटर में, यहाँ पर यह फैसला स्ट्रक्चर को सुनाया गया है। रुसलान का ये फैसला से लोग जो वहाँ पर मौजूद थे काफ़ी खुश हुए हैं, पार्टी के लोग काफ़ी खुश हुए हैं। रुसलान कहते हैं कि प्रेसिडेंट संतोखीन से गुजारिश किए थे स्टाट्स ऑफिसर बनने को, और इनको कुछ जो मामला है देश का इसमें हाथ बटाना था और इसमें हल लाना था, ख़ासतौर पर वोनिंग बाउ प्रोजेक्ट जो है, वोनिंग बाउ जो है, इस पर इनको गौर करना था। लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है और इसमें वो कोई हल नहीं ला पाए है, और आने वाले दिनों में इनके देखने में भी कुछ नहीं होगा, तो इसलिए यह पदवी वो छोड़ दिए है। बहुत से ऐसे लोगों से बातचीत किया गया है और एक प्रत्येक कांग्रेस जो है इसका तैयारियां हो रहा है। प्रत्येक कांग्रेस आगे में जो फैसला लेगा तो इस पर गौर किया जाएगा, ये रुसलांत ने कहे है। जनता के अंदर काफ़ी मुश्किलात है, बहुत से ऐसे इश्यूज़ है जिसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और पिछले दो साल में बहुत से ऐसे चीज़ें गलत हुआ है, सरकार बहुत से ऐसे गलतियां किए हैं जो गलतियां अब सुधारना चाहिए, ख़ासतौर पर बनोमिनियन फैमिली और फ्रेंड्स का ये सब खारिज करना चाहिए ताकि जो शांति है देश में यह वापस आ सके, और जब शांति वापस देश में आ जाएगा तो आने वाले 3 साल में तरक्की की ओर इस देश को लोग ले जा सकते हैं और तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। एनपीएस लेकिन ये स्टाट्स ऑफिसर ग्रेगरी रुसलैंड नहीं रहेगा, लेकिन इसका पार्टी जो है ये एक ट्रा कोवालिटी पार्टनर रहेगा, मतलब ये सब कोवालिटी में रहेगा और कोवालिटी का मदद करेगा जब तक कांग्रेस जो है पार्टी का कोई दूसरा फैसला नहीं लेगा। इनके पार्टी के जो असम्बली लीडर जो है, एनपीएस के पार्टी लीडर जो है असम्बली लीडर पत्रिशा एथनल और इफानिल दोप्लेन जो है, जो पिछले दिनों में प्रोटेस्ट एक्सिस में हिस्सा लिए हैं, इसके बारे में रुसलान कहते हैं कि ये सब पशोल कतीतल पर वहाँ पर मौजूद था, और इन लोगों को पूरा हक है, अगर जनता खुश नहीं है और जनता के अंदर मुश्किल है तो इसके लिए लोग ज़रूर अपना आवाज़ उठा सकते हैं। फिनांसियन सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का जो रसी फ्रॉड साक है, हम आपको इस मामले के बारे में बताना चाहते हैं कि खबर बाहर आई है कि पिछले महीनों में 59,318,515 SRD फर्फल्स्ते बेताल उपद्रागतन और रसी के साथ लोगों को भरा गया है, या पैसा जो है सेंट्रल बैंक फन सूरीनाम के रेकनिंग से लोगों के रेकनिंग पर ओवरमार्क हुआ है। यह पैसा जो है रॉबर्ट कुंज बिहारी इनके रेकनिंग पर 4.9 million US SRD और मोसा रोतर इनके रेकनिंग पर 18.3 million SRD ओवरमार्क हुआ है। इस सिलसिले में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, लेकिन सबसे अहम शख्स जो है रोतर जो है, मौसा रोतर जो है, ये अभी तक पुलिस के हाथों नहीं लगे हैं, पुलिस इनके तलाश कर रहे हैं और कुंज बिहारी के तलाश भी पुलिस कर रहे हैं। एक यूस्टिशियल अंधरसुक तो चल रहा है, लेकिन फिनांसियन के पास भी एक इंटरन अंधरसुक हो रहा है, और ये रजिस्टर अकाउंटेंट रनी अब्राहम्स के जरिए। होफ्त कॉम्पटेबिलिटेट जो है मिनिस्ट्री फन फिनांसियन का दानियल कॉम, ये पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके पूछताछ पर ये रोतर का नाम लिए है जो बौद्ध था, वहाँ पर काम कर रहा था, और ये कहते हैं कि रोतर के कहने पर वो किए हैं जो कुछ वो किए हैं रोतर के कहने पर। ये बताल उपद्रागतन जो है ये फरफाल्स नहीं किए हैं, नकली फरफाल्स नकली बताल उपद्रागतन ये नहीं बताए हैं, लेकिन खोजबीन से पता चला है कि इनका पूरा हाथ इस मामले में था। कॉम के अलावा इनके बहन और भाई जो है दोनों भी पुलिस के हिरासत में है, दोनों कैद में है, और सर्खियो ताफा क्रीडन जो है ये गाड़ी के सिलसिले में इनके नाम पर गाड़ी फरशेकर था मौसा के वास्ते वो किए थे, ये भी कैद में है, और इनके वकील कोशिश किए हैं इनको रिहा करवाने के लिए या फॉरवर्ड लेकर फ्रेहेज सेलिंग देने के लिए, तो इस पर पहले गौर नहीं किया गया था, लेकिन अब ये पता चला है कि कॉन्टैक्ट बपेर केंग जो था ये
इसको लोग खारिज कर दिए, मतलब वकील जो है इनसे मिल सकते हैं, लेकिन ये कैद में अभी तक रहेगा। ये जो फिनंसियन में ओंदरशुक हो रहा है, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मिनिस्टर फिनंसियन का कहे है कि अब खोजबीन और होगा, लोग खोजबीन करेगा त्वी दवसंत एनन त्विन तक तक ये जानने के वास्ते कि वहाँ पर भी कुछ गोलमाल पैसा के साथ घोटाला हुआ है और वहाँ पर भी फरफाल सिंह के साथ नकली बताल औपतरख्तन और रसू के साथ लोगों के लिए पैसा ओवरमार्क हुआ है या नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फंड फिनंसियन का है, इसमें सालों से कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, और मिनिस्टर आर्मांद अचायबर सिंह कहते हैं इसको वो हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो फिनंसियन जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फिनंसियन का, ये काफ़ी कमज़ोर है, इसमें सुधार लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, और सुधार लाते लाते ये गोलमाल जो है ये बाहर आई है, ये पैसों के साथ जो घोटाला हुआ है ये बाहर आई है। कलसुक जुलाई के 29 तारीख नेखनन त्विंतक यूली को 8 दिसंबर स्त्रफ साग जो है होखर बरूप साग जो है ये पेश हुआ है। ये जो कल जो मुकदमा था ये ज़्यादा देर तक नहीं था, जल्द ही लोग इसे निपटा दिए हैं। अगले सेटिंग के लिए एक दातुम दिन तारीख तय हो चुका है, यह 17 अगस्त को ये मुकदमा जारी होगा। तब इस सेटिंग पर कुछ खुतवखन का बयान लिया जाएगा। राजमान इरविन कन्हाई कुछ खुतवखन पेश किए हैं और फरदख्त स्टेफानस देंदू जो है ये भी कुछ खुतवखन का नाम लिए हैं, जो वो चाहते हैं इन लोगों का बयान लिया जाए, इनका सुनवाई हो। डेक्सेल इवान डेक्सेल जो है ये चार फरदख्तन जो है इवान डेक्सेल के अलावा इवान डेक्सेल को छोड़कर बाकी के चार फरदख्तन जो है ये सब रेख्त साल में कल मौजूद थे। यह होखर बरूप साग में ये लोग कहे हैं कि ये फोनस जो है इसके खिलाफ लोग हैं। तो हम आपको बता दें कि क्रैसराग जो है ये फैसला लिए है कि ये 17 अगस्त को मुकदमा जारी होगा। ये कहा गया है कि क्रैसराग जो है ये जो अंतलास्तंद फ्रिक्लारिंगन इन लोगों के लिए पेश हुआ है, जो गवाहियों ने पेश किए हैं, इस पर क्रैसराग गौर नहीं किए हैं। देंदू चार नाम लिए है, चार लोगों का नाम लिए है जो अंतलास्तंद फ्रिक्लारिंगन दिए है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ है ये प्रोसेस के दौरान। वकील जो है पांच फरदख्तन का, कन्हाई ये कहते हैं तीन फरदख्तन तीन खुतवखन तीन गवाहियों का बयान वो लेना चाहते हैं अगले सेटिंग पर। इसमें जॉन हार्जो प्रजितनो और हार्फी नारन बैरख का नाम लिया गया है, और तीसरा जो खुतवख है कोई फलक्स मिलिट्सी का, इनका नाम नहीं लिया गया है। ओपन बार मिनिस्ट्री के पास कोई और गवाहियों नहीं है इनका सुनवाई लेने के लिए या इनका बयान लेने के लिए, कोई खुतवखन खीन खुतवखन है। वर्नीम प्रोक्यूरर जनरल कार्मेन रसम जो है और फंक्यूरेंट फोर्सेटर होफन यूसिटी का दिनेश सेवरतन जो है ये सब कहते हैं कि इतने सारे लोगों का बयान फरक्लारिंग लिया गया है और कोई नया गवाहियों इन लोगों के पास नहीं है इन लोगों का बयान लेने के वास्ते। रेख्तर कमिसारस जो है ये सब खरख्त लग फोर ओंदरशुक कर चुके हैं और सभी दोषीस जो है पढ़ा जा चुका है। ये बहंदलिंग जो होखर बरूप साग का है, इसमें दोबारा ये दोषीस जो है ये फिर से नहीं पढ़ा जाएगा और इससे हर एक सहमत है। हो फरदख्त देसी बौतस जो है ये बताई है कि बिल्कुल ये तैयारियां नहीं किए थे, जानबूझ के लोगों का जान नहीं लिया गया है, फोर बदख्त राद के साथ लोगों का कत्ल नहीं हुआ है। यह 8 दिसंबर स्टाफ प्रोसेस जो है ये 2007 से शुरुआत हुआ है, 25 फरदख्तन के साथ, इसमें से 7 फरदख्तन को सजा सुनाया गया है, 12 लोगों को रिहा किया गया है, इन लोगों के लिए फ्रेस प्राक था और ये प्रोसेस के दौरान 6 लोगों का देहांत हो गए है। नवंबर 2019 में हो फरदख्त जो है या 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस में देसी बौद्ध को 20 साल के कैद का सजा सुनाया गया है, जिसके लिए अब वो होखर बरूप दस्तखत किए हैं और ये मुकदमा 17 अगस्त को जारी होगा।
प्रेसिडेंट संतोखी जो है नया आई सेंटर जो है अकादेमी सिकन हाउस परमारिबो का सुरीनाम आई सेंटर का ये ऑफिशियल उद्घाटन किए हैं, इसका उद्घाटन किए हैं। ये अपलेफरिंग हो गया है और यहाँ पर सब कुछ नया हो गया है। प्रेसिडेंट न सिर्फ उद्घाटन किए हैं सुरीनाम आई सेंटर का, लेकिन वहाँ अकादेमी सिकन हाउस परमारिबो में जब वो मौजूद था तो गए हैं केंद्र ऑफ डेलिंग और नेओनाटल इंटेंसिव केयर यूनिट पर और भी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पर फरप्लीकुंदखन से बातचीत हुआ है, डॉक्टर से और भी स्पेशलिस्ट से बातचीत हुआ है और इन लोगों से कहा गया है कि सरकार बिल्कुल गौर कर रहे हैं जो मुश्किलात हैं यखसों थे सौरख में यहाँ के अस्पताल में और बाकी अस्पतालों में, इस पर गौर किया जाता है और मुश्किल का हल ढूंढा जाता है। लोगों को भी शुक्रिया धन्यवाद कहा गया है इन लोगों के मेहनत के वास्ते। ये जो सुरीनाम आई सेंटर प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री फंड फिनेंसिंग एंड प्लानिंग केरपलानी स्टिफ्टिंग और आई एम गोल्ड के मदद के साथ कायम हुआ है और ये पब्लिक और प्रिफात सेक्टर दोनों मिलकर इसमें हाथ बताई है और पैसा लगाई है। तो प्रेसिडेंट संतोखी कहते हैं कि ये बहुत खुशी के बात है कि लोग देश में तरक्की लाने के लिए मदद कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं। सरकार जो है 100 मिलियन SRD का बंदोबस्त किए है खसौन थे सेक्टर के अपग्रेडिंग के वास्ते और स्पुत एसेंडोहुलप यूनिट के अपग्रेडिंग के वास्ते। ये जो प्रोजेक्ट का अपलेफरिंग हुआ है सुरीनाम आई सेंटर का खसौन थे सौरख जो है इसका क्वालिटी जो है ये और बेहतर होगा और आने वाले 20 सालों के लिए गारंटी दिया गया है। ये भी पता चला है कि फ्रांस हुयाना और हुयाना से यहाँ पर पेशेंटन आते हैं इलाज के वास्ते। जो ऑक्सी से ऑर्गेनिक मूवमेंट का ये सब रोक दिया गया है कुछ दिनों के वास्ते, एक रुस्ट पाउस था, बुध बीफे और सुक को कोई ऑक्सीस नहीं था। ये हम आपको बता दें कि ये ऑर्गेनिक मूवमेंट के जो लोग हैं ये सब कुछ इन लोगों का मांग है कि सरकार इस पर गौर करे वरना लोग ये जो अक्सी से जारी करेगा। ख़ासतौर पर फैमिली एंड फ्रेंड्स के बनुविंग के बारे में लोग कहते हैं कि इन लोगों को मुश्किलात है इस बात से और चाहते हैं कि जो फैमिलीज और फ्रेंड्स का बनुविंग हुआ है लोगों को उन पदवी से हटाया जाए। इस बारे में फिस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेक इस हफ्ता में बता चुके हैं कि इनका भाई लियो ब्रंसवेक जिसका नाम लिया गया है इनको स्टार्स ओली SLM और ABS से निकाला जाएगा, ये पदवी से हटाया जाएगा। मीडिया में यह खबर भी बाहर आई है कि फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी सिनेचेरी को ये भी एरफे से लिट जो है स्टार्स ओली का इस पदवी से भी हटाया जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक मूवमेंट का कहना है कि यह सिर्फ सिर्फ बातें हैं, जब ये होगा तो देखा जाएगा और ये सब कहे हैं कि ये सब ये ऑक्सीस जारी करने वाले हैं। ये ऑक्सीस कब फिर जारी होगा, लोग कब फिर सड़क पर आएंगे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट जो है सरकार जो है इस वक्त अनेक बोंदन और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो मुश्किलात हैं जो बातें लोग सामने लाए हैं इसमें हल लाने को और सरकार चाहते हैं बातचीत करके मामला सुलझाने को। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। ये याफांस न्यू ईयर के मौके पर जो एना देवता यूली को है सभी जाबी भाई बहनों को यहाँ से हम बहुत से मुबारकबादी और बधाइयाँ पेश करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।